बेटा अगर चालन के नोते में हो तो इतने आ जाओ, और उतके नोते में हो तो उतने चले जाओ। पर क्या जवाब दिया उस 16 वर्ष के बच्चे ने, सुनो। दीन बंधु भगवान अरे बचन अब हृदय न हो तो, अरे बचन अब हृदय न हो तो, और कहा करू कि जाऊ दया नहीं एक उनी नो तो, अब कहा करो कि जाऊ दो नहीं एक उनी नो तो, प्रभु न तो नो तो जालन थे और न नो तो जालन तो फिर तुम आए क्यों। अरे गिरा बालकनी उचारी मोई तय धनुष और मान हुकम मेरी दे गई मेहतारी, मोई तय धनुष और मान हुकम मेरी दे गई मेहतारी, मोई तय धनुष और मान हुकम मेरी। सुन लो महाराज, ये धनुष जो मेरे हाथ में दिया है ये मेरी माँ का दिया हुआ है, मेरी मेहनतारी का। सुनो बच्चे हो, मेरे भारत की संस्कृति में, भारत की सभ्यता में, भारत के वेद और शास्त्र और पुराणों में माताजी शब्द आया है, मेहनतारी आया है, अम्मा शब्द आया है, पर मेरे भारत की सभ्यता में कहीं मम्मी नहीं आया, कहीं नहीं आया। और पढ़ने वाले बच्चों पहले तो अध्यापक से पूछियो, और न पूछ पाओ तो गूगल पर डाल के देख लो मम्मी का अर्थ क्या है। अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी में मम्मी कहते हैं मुर्दा घर में जो लाश रखी होते ताते। रामायण में भी आया है, रामचरितमानस में, कठोरी बातर पिता दुखारी और ना प्रतीत मोय महतारी, महतारी शब्द लिखा है। बाप ते थोड़े दिन तक तो कहते डैडी, अब कहते डैड, और डैड माने मालूम ही, अब तो मम्मी बनना मोम, कौन सा मोहार। भारत की सभ्यता के शब्द नहीं है। आप एक बार कह के देख लीजिए कब माताजी प्रणाम, अरे अच्छा शब्द में बात ही अलग है। मम्मी कोई शब्द है घर घर में द्वार द्वार पे। और सुनो, मम्मी का उस शहर में जो चले आओ सब तो सुबह वो तो काम में हुआ तो काम में मम्मी ना बालक निकल समय ना आवे भूखो तो कहा ए मम्मा टिया बोलो कहा को सब कहे कहा था जाको। तो हमेशा बच्चे की सबसे प्रथम सबसे पहली गुरु होती है माँ, माँ पहला गुरु होती है। जिस सीढ़ी पर माँ डाल देगी उस सीढ़ी को कोई मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, ये लड़का जो सामने आया भगवान के, इसका गुरु कौन था, इसकी गुरु इसकी माँ थी। और मेहतारी ने हत्या दिया है, और कन्हैया तो कह रहे हो कि मेरी मैया ने कई कहा है, अरे बचन को पालन कर दिए महाराज, मेरी मैया का ये हुक्म है, क्या मैं हथियार लेकर के जा रणभूमि में आया हूं, इस दोनों दलों के बीच में जो पक्ष हार जाएगा ताकि मदद करूंगा। भगवान ने की हारते की तो फिर बेटा तू है कौन, तेरा नाम क्या है, तेरे माता पिता कौन है, और तू कौन से वंश का क्षत्रिय है। जब भगवान ने परिचय पूछा तो वो 16 वर्ष का बच्चा द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के सामने अपना परिचय बताया। अरे भीम सेने पापी
और पपरी को है नाम हमारे हथियार हाथ में ना हो भूमि समर देखिवे भीमसेन का नाती हूं, घटोत्कच का पुत्र हूं, मौरवी मेरी महतारी और बर्बरीक मेरा नाम। भगवान ने की तो हाथ ते भाई की तरफ लड़ोए, प्रभु जय मेरी मैया को हुकुम है। अब कन्हैया ने समझ ली कि मुझे पांडव जिताने और कौरव हराने, और जी बालक अगर रह तो है तब फिर कही बेटा तो मालूम ना है तेरी नादान अवस्था है रे जा, युद्ध भूमि में कर्ण और अर्जुन जैसे वीरन के जब हथियार चलेंगे तो बेटा दिन की रात है जा भाई, वही लौट जा, लौट जा। प्रभु मेरे हाथ में हथियार लगा हुआ है धनुष, और जितने धनुषधारी जा दोनों दलों में आए महाराज एक एक करके लड़वा दो और चाहे इकट्ठे करके लड़वा दो, हथियार धनुष ही हाथ में। पर सुनो, पहले लड़ाई नियम की थी यज्ञपति महाराज जी, जो लड़ाई धनुष की जानतो तीर की तो बात है, लड़ाई तीर की लड़तो सामने बाओ, जो लड़ाई भाले की जानतो तो भाले वाला ही वीर उसे लड़ता था, जो लड़ाई गदा की जानतो वो गदा वालों ही वीर लड़तो। अब एक जरूरत हो रही है कि सामने भाई के हाथ में लठिया लग रही है तो पल्लंग भाई ने 315 बोरी गोली ठास दी, ये कोई लड़ाई है? लड़ाई वो है, ये शास्त्र बताता है, भारत का संविधान बताता है कि सामने वाले पर जो हथियार हो हथियार वही होना चाहिए, तो लड़ाई है, वो लड़ाई काहे की रही, न तो जोर जमा पाए। अरे एक में खूब मेहताई बाप रे खबाई प्याग पट्ठा करो एक कुंटल वजन को, और भाई हाथ में लठिया लग रही है, और भाई हाथ में भाई पांच पत्तवाई मारने गेल चलो ना जाओ, भाई हाथ में कट्टा लग रहा हो तो बाघ हो ज्यादा कामयाब है। लड़ाई नियम की होनी चाहिए, हमेशा बल की परीक्षा होनी चाहिए। तो उस समय बल की परीक्षा दिखाई उस लड़के ने, बर्बरीक ने बाण निकाल के तरकस में से और नोक में लाल रंग लगाया, लाल रंग मंत्र पढ़ के उस बर्बरीक ने छोड़ दिया, दोनों दलों में वो तीर घूम के लौट के आया। और तब कहीं कन्हैया से, प्रभु दोनों दलों में आप नजर कर लें, कोई छतरी बाकी नहीं है, कोई हाथी बाकी नहीं है, कोई घोड़ा बाकी नहीं है, कोई ऊंट बाकी नहीं है, ताकि छाती पर लाल रंग को निशान नहीं, बस तुम अब क्यों और कह दो एक ही बार बाण और मारूंगा, एक दो उदल मरे ही देखेंगे तुम्हें। भगवान ने की खेल खत्म है, जो जी लड़का रहे तो है तो फिर पांडव कहां जीत रहे हैं? तो बेटा मान लिया मैंने कि तुम बाणधारी हो, पर जो छत्री बाणधारी होते हैं वे दानधारी होते हैं, तो तू दान दे सकता है? मैं बालक नहीं प्रभु, अगर जाके अभिलाषा तो जाऊंगा, मांग के देख लो, कहो तो सही। तो बच्चे पे आधार का अधीश भगवान ने दान में मांगा क्या, क्या मांगा रणभूमि में? बालक देख के और बोली उठे जगदीश से, दान करे रण माथे में तो अपनों काट दे शीश है, मैं तेरा सर मांग रहा हूं दान में शीश। बात सुनी घनश्याम की सोई खेच लई तलवार, जो धरते काट दई नारी है, वो शीश काट दिया अपना खुद का। और जब वो शीश कट के धरती पर गिरा परवरी का, ध्यान रखना इस पृथ्वी के चारों खंभ हिल गए थे उस समय। भगवान ने कितना कठिन दान मांगा, वो मांग तो लिया लेकिन वो कटा हुआ शीश अब जवाब दे रहा है, वो कटा हुआ सर बोला है भगवान श्याम सुंदर से, क्या? अरे मोती बन की भिखारी
शीशु नाथ रे मेरो शीश दान में क्यों बोपू अरे समरूह करन को भारी चाहूं समरूह करन को भारी चाहूं समरा करन को भारी चाहूं अरे मेरे पेट पर खोना ही गा समर करने को भारी चाह रहे मेरे पेट पर एक हो ये क्या किया प्रभु तुमने मेरे मन में थी गई समर भूमि को देखने आया था मैं भगवान ने की समर भूमि को देखना चाहते हो तो दिखा तो दूंगा पर तुम जी चाहो मैं कुछ कर सकूं कर कुछ नहीं पाऊंगा। उसी समय भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति उस सर में प्रदान की उस शीश को कटे हुए को आज छोंकर के पेट पर टंगवा दिया छों करके वृक्ष पर टंगवा दिया। तब भगवान ने कही कि आज मुझसे बहुत गलत होता है मन में वो जब आते सुनो वो ही नहीं वो तो एक भगवान थे हम तुम और सब ये मन गलत कर्म करवा तो लेता है पर सही बताना जिन जिन के हाथ से गलत कर्म होता है क्या पेट में से आत्मा जवाब नहीं देती फिर पीछे से एक बार जरूर कहेगी कत्ते ने गलत किया है भीतर से आत्मा तो कहती है गलत किया है पर ये मन नहीं मानता आत्मा की परिभाषा क्या है जय हम और आप आत्मा समझे बैठे वो है आंत क्यों मीटर लंबी है भीतर आत्मा क्या है सुख दुख ईर्ष्या द्वेष प्रयत्न ज्ञान लिंगो आत्मा ये संस्कृत की सूक्ति है ये छह गुण जहां होते हैं सुख दुख ईर्ष्या द्वेष प्रयत्न और ज्ञान ये जहां छह चीज सम्मिलित होती हैं उसे ही आत्मा कहते हैं। हेलो और ये राकेश बाबूजी की तरफ से एक 501 रुपए की हार माला से हमें सम्मानित किया है परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे इनके मार्ग पे इन्हें आगे बढ़ाता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखो आज भगवान ने कहा उस कटे हुए सर से कि मैंने आज वो चीज मांगी है जो कोई हर दे नहीं सकता तो मांगते समय मेरे कदम हिल गए तो कटे हुए सर से कहा कि इसके बदले में तू मांग ले क्या चाहता है मांग ले क्या चाहता है पर सुनो अगर वो मांगना चाहता और ये कह देता कि मुझे दोबारा जिंदा करिए मैं जब रणभूमि में लड़ना चाहता हूं तो भगवान को देना पड़ता लेकिन वो कटा हुआ सिर विचार कर रहा है कि लड़ाई 18 दिन होगी और ये जीवन थोड़े दिन चलेगा इस रणभूमि पर थोड़े दिन रहना पड़ेगा इस धरती पर थोड़े दिन जीवित बनूंगा आखिर यहां से जाना पड़ेगा लेकिन प्रभु अगर तुमने मोती की बात कही है कि कुछ मांग ले जो तेरे शीश दान में दे दिया है तो आज मैं वो चीज मांगूंगा जो तुमसे आज तक किसी ने मांगी नहीं किसी ने नहीं मांगी और सत्य वचन है ये श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या उस कटे हुए सिर ने आज कितना लंबा गणित लगाया मांगबे के लिए कोई मांगे भगवान सामने खड़े हो जाए के लाओ सभी संपत्ति हमारे घर में आ जाओ सब ठेला मोटर हमारे ही है जाओ पर मांगने के लिए प्रयत्न चाहिए यतन चाहिए और मांगने के लिए बुद्धि चाहिए। एक बार राकेश जी भोले बाबा के सामने एक परिवार खड़ा हुआ जब भक्ति की
तो भोले बाबा के सामने खड़े थे, तो दोनों तो पति पत्नी थे बुढ़ापे में, एक उनका बेटा खड़ा था। सो भोले बाबा ने तीनों अंत कही, क्या मैं तुम्हारी तपस्या से इतना प्रसन्न हूं कि तीनों जने एक एक वरदान मांग लो। तो वो कितनी खुली छूट दी, क्या तीनों एक एक वरदान मांग लो। पर अकल कितनी तेज रही, सबसे पहले वो महात्मा टुकड़िया चली है कि मेरा नंबर पे ले लो, मांगो तुम ही मांगो जो भोले बाबा ने की मांगो। सब 70 साल की बुढ़िया कह रही है भोले बाबा के, बाबा अगर तुम बहुत प्रसन्न हो तो वो 16 साल की कन्या बना दो। भोले बाबा ने हाथ तो फेरो मुड़ा, बस 16 साल की लड़की बनी गई। वह डोकरा ने की तेरह समय नान चलो जाए, कितनी फायदा करके आई है का जीवन भर संग ने भांगे, बता मैं मर में बैठो लकड़ियां पेड़ों देख रही मरकट में, वो 16 साल की बनी है अलग। भोले बाबा ने की तुम मांगो कि मैं मांग लू तो जाने तो मैं संग जो बढ़िया करो सो करो ही है, पर प्रभु मैं वरदान मांग रहा हूं जा तुम कुतिया बना दो। भोले बाबा ने हाथ फेरो तो वो कुतिया बनी हुई, दोनों के वरदान है। अब तीसरा नंबर आ गो लड़का को, लला तू और मांग ले। उनकी बाबा अगर वरदान देना चाहते हो तो मेरे माता पिता को जैसे है तकाए तैसे के तैसे ही। बोलो तीनों वरदान पूरे है गए, न कोई कहूं आओ न गो न कहूं मिलो न छूटो, सब मांगे में ही रह गए। तो वरदान मांगने के लिए कम से कम अकल होनी चाहिए। वो कटा हुआ सिर छोकर पर टंग रहा है और भगवान से मांगा क्या उसे, प्रभु मांगूंगा जरूर लेकिन आज वो चीज मांगूंगा कि न तो तुम पकाओ ने मांगी न तुमने कहा दई है। अनोखी चीज कौन सी, बात सुनी घन श्याम की सोई कहे ब्रजत शीशे, लौट दान जो दे रहे मेरी बिने सुनो जगदीश। बदले में मांग रहा हूं पर प्रभु मांगूंगा जरूर, ऐसा मत कर दियो कि तुम पीछे बन जाओ, ताते तो न दे सोई अच्छो बेटा, मांग लेते हैं आज वो चीज दी है, काट के सर मेरा चरणों में डाल दिया है तो जो तू मांगेगा वो ही दूंगा। बेटा कह रहो पेड़ते और ध्यान करे घन श्यामई, लौट बचन जो दे रहे मोई अपनो दे दे नाम है। और प्रभु अगर देना चाहते हो तो मुझे अपना नाम दे। बात सुनी जब लाल की सोई मुस्काई गए घन श्यामई, आज बन गयो खाटू श्याम है। बोलिए कन्हैया लाल की, वही खाटू वाले श्याम के नाम से पूजा जाता है, वो कटा हुआ सर। ध्यान रखना जो स्वयं कृष्ण की पूजा करता है वही खाटू श्याम की पूजा करता है, जो खाटू वाला श्याम है वही वो श्याम। केवल भगवान पर मांगा तो बदले में नाम मांगा, नाम कितनी बड़ी चतुराई थी जीवन में। ध्यान रखना परीक्षा जी, एक बार इस वृंदावन धाम में तपोभूमि है, वृंदावन तपस्या की भूमि बताई गई है सतयुग से लेकर के कलयुग तक। तो इसमें एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ संतों के बीच में कि वो भगवान का नाम नहीं लेता था, अगर काउ निकाल दी। सही बता रहे हैं इन बच्चों में और तो खैर कोई नहीं है, एक लड़का गवाह है ये जितेंद्र। गंगा जी के किनारे एक